हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यूनिट 5 की ये नेक्स्ट क्लास है और ये क्लास पॉपुलेशन ज्योग्राफी के साथ ही लास्ट क्लास भी है। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर चुके होंगे और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे रहने वाली है। सिर्फ ये थ्योरी हमारी बची थी और ये पूरा टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। कल से हम सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी अधिवास भूगोल, जो कि यूनिट 5 का ही पार्ट बी है। यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में डिवाइडेड है। कल से मैं एक लेक्चर डेली का अपलोड किया करूंगा, लेकिन वो एक लेक्चर बड़ा लेक्चर होगा, है ना। जैसे अभी तक हमने जो लेक्चर कवर किए थे वो 50 मिनट या 60 मिनट्स के आसपास हो रहे थे, तो क्योंकि समय मुझे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं एक बार में एक बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करके और आपको प्रोवाइड किया करूंगा। तो वो दो बार ना प्रोवाइड करके बल्कि एक बार ही मिल जाएगा, वो बात बराबर ही रहेगी। तो इस तरीके से मैं आपको लेक्चर दूंगा। आप चाहें तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आधा पार्ट उसका दोपहर के समय पर देख सकते हैं और आधा पार्ट उसको इवनिंग के समय पर देख सकते हैं, या फिर पूरा ही एक साथ भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं उसको आपको एक बड़ा 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कम से कम 2-3 टॉपिक कवर होते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी से। और हमारा जो टारगेट है 15 मई का, उस टाइम तक हमारा सिलेबस बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत इसे कहते हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन की स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज को डेमोग्राफी बोलते हैं। जैसे ज्योग्राफी अर्थ की स्टडी है, अर्थ के जो लैंडफॉर्म है इनकी स्टडी है, वैसे ही डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडीज होती है। ट्रांजिशन का माने संक्रमण। जैसे दिन और रात होते हैं, क्या दिन से अचानक से रात हो जाती है कि अभी 6 बजने वाले हैं रात हो जाएगी तुरंत एकदम अंधेरा हो गया, या फिर धीरे 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 करके सूरज ढलता है और रात धीरे धीरे करके बढ़ती है, और फिर रात से सुबह भी क्या अचानक से हो जाता है? नहीं होता है ना, धीरे धीरे करके रात ढलती है और फिर दिन सुबह होती है। तो वैसे ही किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो भी अचानक से उसमें परिवर्तन नहीं होता है कि बहुत हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था और अचानक से वहां का जो ग्राफ है वो एकदम से उसमें कोई चेंज आ गया। जैसे आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है, शायद आपको अभी ये ग्राफ समझ में ना आए, लेकिन लास्ट होते होते इस लेक्चर के आपको ये ग्राफ समझ में भी आएगा, और सिर्फ इसी ग्राफ की मदद से आप इस पूरे लेक्चर को याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत काम की बात है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी आपको हाई दिखाई दे रहा है, फिर जैसे आप सेकंड स्टेज में बढ़ेंगे, स्टेजेस का तो आपको पता ही होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट है से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में अचानक से नहीं चली जाएगी। वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अचानक से कम नहीं हो जाएगी, वो कई फेजेस से होकर के गुजरती है। जैसे रात और दिन भी अचानक से नहीं होते हैं, वो धीरे 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 करके होते हैं, तो वैसे ही किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में भी परिवर्तन धीरे धीरे करके होते हैं। इसी को ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं, जिसमें उन्हें कई फेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। और डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी कई स्टेजेस के बारे में बताती है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है जो कि हमें डेमोग्राफी के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। इस थ्योरी को सबसे पहली बार W.S. थॉमसन ने 1929 में और फ्रैंक नॉटस्टीन ने 1945 में प्रपाउंड किया था, ठीक। ये चीज आपको फ्रैंक थॉमसन और नॉटस्टीन का ध्यान रखना है। अगर इन दोनों में से कभी ऐसा हो कि दोनों अलग अलग ऑप्शन में हैं, ए में आपको नॉटस्टीन दे दिए हैं, बी में थॉमसन दे दिए हैं, सी में कोई और है, डी में कोई और है, तो आपको क्या लगाना होगा? पहले कौन है? पहले थॉमसन है, तो इसलिए थॉमसन लगाना होगा। इससे इसको ध्यान रखना। वैसे तो ये दोनों साथ ही रहते हैं, नॉटसिन और थॉमसन, थॉमसन नॉटसिन, लेकिन दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉरेन थॉमसन लगाने हैं, ठीक है। दिस डेमोग्राफर बेस्ड ऑन देयर स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑन द ट्रेंड इन फर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी being experienced in Europe, Anglo-American, Australia, इनके जो भी arguments हैं demographic transition theory में इन दो scholars के, Thomson और Notstein के, वो
यूरोप, एंग्लो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर यानी कि उत्पादकता दर और मृत्यु दर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस पर आधारित सिद्धांत है जो कि इन कंट्रीज के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। द थ्योरी पोस्टुलेट ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेमोग्राफिक चेंज फ्रॉम हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी टू लो फर्टिलिटी टू एंड लो मोर्टेलिटी। ये थ्योरी हमें ये जानकारी देती है कि कैसे कोई क्षेत्र या कोई कंट्री बहुत ज्यादा जन्म दर, बहुत ज्यादा मृत्यु दर या हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी से किस प्रकार से वो लो फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी में कम कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की तरफ बढ़ता है, और कैसे एक समाज धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है, वो रूरल सोसाइटी से बिल्कुल इलिटरेट सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है जहां पर एग्रीकल्चर होता है, किस प्रकार से वो चेंज होता है अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और एक मॉडर्न सोसाइटी में। और जब ये समाज में परिवर्तन आते हैं तो वहां की डेमोग्राफी में भी परिवर्तन आते हैं, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो द थ्री वेरी क्लियर स्टेटेड हाइपोथेसिस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो यहाँ पर हमें तीन क्लियर कट एकदम तीन प्रोसेस होती हुई समाज में नजर आएंगी। क्या क्या होगा? डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है वो कम होगी। रूरल सोसाइटी है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मृत्यु ज्यादा होती है, लेकिन जब रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी की तरफ बढ़ेगी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होंगी तो इसलिए मृत्यु दर कम होगी। ओके, मोर्टेलिटी डिक्लाइन होगी कम बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। द फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइन टू मैच मोर्टेलिटी, और फर्टिलिटी भी धीरे धीरे करके कम होगी। द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विद इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। समाज में और आर्थिक रूप से एक सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है? तो तीनों तरीके से इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसी बात को आगे हिंदी में भी लिखा गया है, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को बताने के लिए इन स्कॉलर्स ने, थॉमसन और नोटसिन ने कुछ स्टेजेस बताई हैं, लेकिन इन्होंने कितने स्टेजेस बताई हैं? चार स्टेजेस बताई हैं। पांचवी जो स्टेज है वो उनके द्वारा नहीं है, वो आगे जो स्कॉलर्स हैं उनको फॉलो करने वाले उन्होंने ऐड की हैं, ठीक है? तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि वॉरेन थॉमसन और नोटसिन की कितने स्टेज है, चार, लेकिन सिर्फ इतना पूछे कि इसमें कितना स्टेजेस है तो पांच हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो अभी वर्तमान समय में पांच स्टेजेस है, लेकिन जब नाम देख के स्पेसिफिक पूछ रहा है तो चार लगाना है, समझ में आ रही बात? जिसमें ये बताया जाता है कि पहला जो स्टेज होता है किसी भी कंट्री का, वो यहीं से शुरुआत होती है। किसी भी कंट्री की शुरुआत इन्हीं फेजेस से होकर के गुजरेगी इनके अनुसार। पहली स्टेज में आएगी वो कोई कंट्री, फिर दूसरी स्टेज में, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी स्टेज में चली जाएगी। कोई भी कंट्री सबसे पहले जब पहली स्टेज में होती है तो वहां पर क्या पॉपुलेशन की क्या खास बात होती है? तो वहां की पॉपुलेशन हाई एंड फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट होता है। वहां पर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फ्लक्चुएट करता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अब जैसे इस डायग्राम में तो आपको एकदम एक सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन बर्थ रेट भी इस प्रकार से इसका ग्राफ फ्लक्चुएट करता रहेगा, और डेथ रेट का भी ऐसे ही ग्राफ फ्लक्चुएट करता रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे आता जाता रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों हाई हैं और बहुत कम उनमें परिवर्तन हो रहा है। कभी बर्थ रेट थोड़ा हाई, फिर कम, फिर थोड़ा हाई, फिर कम, इस प्रकार से डेथ रेट भी ऐसे ही हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, और दोनों के दोनों हाई हैं। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अब सोचो आप कि अगर 1000 बच्चे या बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है और 1000 की ही मृत्यु हो जा रही है, तो आप क्या कहोगे कि पॉपुलेशन बढ़ी या घटी? तो आप कहेंगे ना पॉपुलेशन बढ़ी ना पॉपुलेशन घटी, स्टेबल रही। लेकिन पहली स्टेज में यही होता है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगा या नहीं होगा, एकदम स्टेबल होगा। बर्थ रेट भी हाई होगा और डेथ रेट भी हाई होगा। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट के साथ पहली स्टेज में पॉपुलेशन की ग्रोथ स्लो रहती है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट के साथ पहली स्टेज में पॉपुलेशन स्लो रहेगी, कोई परिवर्तन, कोई इंक्रीज नहीं होगी पॉपुलेशन। देखो ग्राफ दिखा भी रहा है, इनमें से एक ग्राफ तो आपको डेथ रेट का है ऊपर वाला, नीचे वाला, और ऊपर वाला ये बर्थ रेट का है। मैं लिख देता हूँ, ये बर्थ रेट और ये आपका
डेथ रेट, और ये क्या दिखा रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है वो दिखा रहा है, तीसरा वाला ग्राफ लिखा हुआ भी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई रहता है लेकिन डेथ रेट घटने लगता है। देखो आप जरा इस ग्राफ को देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। बर्थ रेट तो सेम ही है ना, बर्थ रेट में क्या कोई अंतर आया नहीं, बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट में कमी आ रही है सेकेंड स्टेज में आते आते। अब इसका परिणाम क्या होगा, जैसे 1000 बच्चों ने जन्म लिया उनमें से 800 की मृत्यु हो गई, 200 तो बचे हैं, 200 तो बचे ना, वो ऐड होंगे टोटल पॉपुलेशन में, तो इसलिए यहां से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ओवरऑल। सेकेंड स्टेज की बात यह है, इस बात को ध्यान रखें। तो हाई बर्थ रेट लेकिन डेथ रेट में कमी आ रही है, तो इसलिए पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको सेकेंड स्टेज में ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो बर्थ रेट यहाँ पर मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है लगातार, ठीक है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी अब घटने लगेगा और लो डेथ रहेगा, डेथ रेट भी घट रहा है। देखो बर्थ रेट तो घट ही रहा है, बर्थ रेट तो घट ही रहा है लेकिन डेथ रेट बहुत तेजी से घट रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लो डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, बर्थ रेट तो घट ही रहा है, जन्म दर घट रहा है लेकिन डेथ रेट बहुत तेजी से घट रहा है, ठीक है। जैसे अभी 1000 बालक बालिका जन्म लेते थे, अब 800 जन्म लेते हैं, लेकिन पहले 800 की मृत्यु हो जाती थी, 200 बचते थे, लेकिन अब डेथ रेट में कमी आ गई है, अब सिर्फ 100 की मृत्यु हो पाती है क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, तो 700 लोग ऐड हो जाते हैं टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत तेजी से अभी देखो बढ़ रही है, थर्ड स्टेज में भी बढ़ते ही जा रही है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट फोर्थ स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज में चले जाएंगे, बर्थ रेट भी देखो कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया, दोनों के दोनों कम है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्लो है। फिफ्थ स्टेज में जाकर के ये फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट एकदम जीरो हो जाएगी, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे टाइम के हिसाब से। अगर पांचवी स्टेज नहीं दी गई होती है ना, ये बात ध्यान रखना, अगर पांचवी स्टेज नहीं दी गई है तो फोर्थ स्टेज में कभी कभी वो ये बोल देता है कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो है इसके साथ पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। फोर्थ स्टेज की खास बात यह होती है, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट के साथ पॉपुलेशन स्टेबल। फर्स्ट स्टेज की खास बात यह होती है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट के साथ पॉपुलेशन स्टेबल या स्लो इंक्रीज होती है। तो फोर्थ और फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन स्लो या स्टेबल होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में हाई है दोनों, बर्थ भी और डेथ भी, फोर्थ में ये लो है, इस चीज को आप ध्यान रखना जब पांचवी स्टेज ना दे, ठीक, समझ में आई इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं इसके, अब देखो ये भी चीज ध्यान रखने वाली कि पहली स्टेज में ग्राफ कैसा बनेगा, पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड एकदम कोन शेप का बन रहा है, यहाँ पर भी एकदम कोन शेप है या तो बहुत ही एकदम तीव्र है, इसका बेस काफी ब्रॉड होने लगा है, बेस और एपेक्स यानी कि शीर्ष दोनों लगभग एक समान से हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसे दिखा देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डेथ रेट में कमी आती है ना, तो इसका जो शीर्ष है यानी कि एपेक्स वो ब्रॉड होने लगता है, डेथ रेट जैसे जैसे हाई होगी, यहाँ पर देखो डेथ रेट बहुत हाई है इसीलिए ये एपेक्स में या शीर्ष में बहुत नुकीला कोन बन रहा है, और डेथ रेट जैसे जैसे कमी होगी उसमें तो फिर इसका जो शीर्ष है या एपेक्स है वो ब्रॉड होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यही स्टेजेस को आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उम्मीद है कि आप पहले ही इसको समझ गए होंगे, अब तो है ना। पहला चरण में क्या होता है, अब कुछ टेक्निकल बातें हैं इनको याद रखना है। फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी रेट भी हाई रहता है, फर्टिलिटी रेट कितना रहता है, 35 per 1000, एंड मोर्टिलिटी रेट भी हाई रहता है, प्रति हजार पे 35 बालक बालिकाओं ने जन्म लिया लेकिन मोर्टिलिटी रेट मृत्यु दर भी ऐसे ही हाई है, जन्म भी ज्यादा ले रहे हैं मृत्यु भी ज्यादा हो जा रही है, 1000 पर 35 बालक बालिकाओं ने जन्म लिया और 35 की मृत्यु हो गई, दोनों के दोनों हाई है, इसी वजह से ना पॉपुलेशन बढ़ी ना पॉपुलेशन घटी, या तो इसको हम कहेंगे कि बहुत पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी या फिर बहुत स्लो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा कुछ एपिडेमिक्स की वजह से हो सकता है, फूड वेरिएबल सप्लाईज ना, फूड की बहुत कमी है, और ये स्पेसिफिकली उन सोसाइटीज में वहाँ ज्यादा होता है जो वेस्टफुल प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगे हैं, मतलब ऐसे सोसाइटी जो मुख्य रूप से कृषि समाज, कृषि प्रधान समाज है, और जहाँ पर प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत लो है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, वो कृषि समाज है, और मुख्य रूप से वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड सोसाइटी है, उन एरियाज में फर्स्ट स्टेज में आपको वो कंट्री दिखाई देगी, बर्थ रेट भी हाई तो डेथ रेट भी हाई, एग्रीकल्चर सेक्टर वाली जहां पर डेवलपमेंट लो होता है, ऐसे क्षेत्रों में की ये स्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी खास बात है कि यहाँ पर इलिटरेट बहुत ज्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी का के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड होता है, तो ऐसे स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। आपको चार पांच स्टेटमेंट में इनमें से दे देगा, स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई, और वेस्टफुल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, तो आपको लगाना होगा फर्स्ट स्टेज, ठीक है। आज से लगभग 200 साल पहले की बात करें तो विश्व के सभी कंट्री वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के इसी स्टेज में थी, लेकिन आज वर्तमान समय की बात करें तो शायद ही कोई इस कंट्री में हो, क्योंकि पूरी तरीके से कोई पॉपुलेशन, पूरी तरीके से कोई कंट्री सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, और वो पूरी तरीके से इलिटरेट है या टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा तो मुश्किल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट इट मे बी डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड स्टिल बी एट दिस इनिशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है, द डाटा पर्टेनिंग टू फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी फॉर सच एरिया वुड आइदर बी लैकिंग और वुड बी रिलायबल। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक, क्यों, कारण इसका यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिए प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर से संबंधित डेटा या तो कम हो गया या विश्वसनीय नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई कंट्री यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास या तो उसका डाटा है ही नहीं, या तो फिर ये हो सकता है कि उसकी हमें जानकारी नहीं है। मोर ओवर हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सभी कंट्रीज को इस स्टेज से बाहर निकालने में मदद की है। जो मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में पर्टिकुलरली एक बूम आया है, उसकी वजह से कंट्रीज इस स्टेज से बाहर निकली हैं, ठीक है। साथ ही इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस मेडिसिन की वजह से, जिनमें मृत्यु दर कम हुई है, मृत्यु दर कम होगी तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफी, वो दूसरे स्टेज में जाएंगी, ठीक है। इन इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द फर्स्ट स्टेज हैज बीन कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल और प्री मॉडर्न स्टेज। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे, इन सभी की वजह से इस स्टेज को प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न स्टेज कहा जाता है, ठीक है। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज देखिए, ग्राफ को एक बार जरा देखो ध्यान से। पहले स्टेज में क्या हो रहा था? पहली स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई हैं। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट अभी ठीक है, लेकिन डेथ रेट में कमी आ रही है। डेथ रेट कम होगी, इसका मतलब है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो यही होगा। तो सेकेंड स्टेज में हाई एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवर 30 पर 1000 एंड ए शार्पली रिड्यूस इन मॉर्टेलिटी रेट। देखो, जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि उत्पादकता दर, वो तो बड़ा है, अभी 35 था पहले में, अब 30 हुआ, ज्यादा अंतर नहीं है। जन्म दर अभी भी ज्यादा है, प्रति हजार 30 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है, आधा हो गया, एकदम आधे से भी कम। फर्स्ट स्टेज में 35 था, यहाँ पर मॉर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर कम हो गया है, 1000 पर अब सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की मृत्यु है, तो इसका मतलब है मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर कम है, जन्म दर अभी भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज में और जो सैनिटाइजेशन है, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार आया है, इसी वजह से जो मृत्यु दर है वो कम हुआ है। और फर्टिलिटी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई हैं, इसीलिए फर्टिलिटी या उत्पादकता दर का लेवल अभी भी हाई है, ओके? और ये
सेकेंड स्टेज की खास बातें, ये आपको ध्यान रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ गया है, इम्प्रूव हो गया है, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ गई, अब लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं। ये सब हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब, ये सब की वजह से हुआ है, और ये सेकेंड स्टेज की खास बातें हैं। ठीक है, अब आपको द लार्ज फैमिलीज आर नो लॉन्गर एन एसेट, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब बड़े परिवार अब संपत्ति नहीं रहे, अब यानी कि बहुत बड़े बड़े परिवार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंटली द फर्टिलिटी अंडरगोज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन, बहुत बड़े बड़े परिवार लोगों के अब नहीं दिखते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी कम हो यहाँ पर थोड़ा सा दिखती है, लेकिन मॉर्टिलिटी तो और भी कम है। ठीक है, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसी एक्सप्लोसिव स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से, इसी से वो गुजर रही हैं। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईरान, यमन, केन्या, ये सब के सब कंट्रीज हैं वो इसी स्टेज से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के गुजर रहे हैं, सेकेंड स्टेज। ठीक, थर्ड स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग फेज, यानी कि इसमें विस्तार होता है। किस चीज का विस्तार होता है, देखिए थर्ड स्टेज में कैरेक्टराइज बाय ए स्लो इन ग्रोथ रेट एज द डेथ रेट स्टेबलाइज एट स्लो एंड द बर्थ रेट डिक्लाइन। बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है लेकिन बहुत तेजी से नहीं हो रही है, लेकिन डेथ रेट तो बहुत तेजी से यहाँ पर डिक्लाइन होती है, जो डेथ रेट है, बर्थ रेट भी यहाँ पर घट रहा है, बर्थ रेट भी घटेगा, डेथ रेट भी घटेगा। दिस डिक्लाइन इज एसोसिएटेड विद ए विद ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ एन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्यों हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि अर्बन एरियाज में या अर्बन सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दोनों के दोनों, बर्थ रेट भी और डेथ रेट में भी कमी आ रही है। ठीक है, लेकिन बर्थ रेट तो तेजी से देखो यहाँ पर घटता हुआ हमें नजर आ रहा है, और डेथ रेट भी घट रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं घट रहा है जितना डेथ रेट बर्थ रेट घट रहा है, फॉल्स मोर स्लोली, और यहाँ पर भी पॉपुलेशन इसी वजह से थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज है। नेक्स्ट आती है द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बर्थ रेट भी डेथ रेट भी दोनों को दोनों कम हो जाते हैं, इसी वजह से पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, या फिर पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। पहली स्टेज और लास्ट स्टेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। किस मामले में, बर्थ रेट डेथ रेट पहले स्टेज में हाई होते हैं, बर्थ रेट डेथ रेट लास्ट स्टेज में या फोर्थ स्टेज में दोनों लो होते हैं, लेकिन दोनों स्टेज में पॉपुलेशन स्लो और या फिर बहुत स्लो ग्रो करती है, स्टेबल या बहुत स्लो ग्रो करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है ये एरिया, अर्बनाइज्ड होता है, टेक्निकल बहुत ज्यादा यहाँ पर टेक्निकल जानकारी बहुत होती है लोगों को, लिटरेसी बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन बहुत हाई होता है, इन सब की वजह से जो पॉपुलेशन है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कमी होती है। बर्थ रेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोग दोनों लोग हैं पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। और मृत्यु दर कम क्यों है, डेथ रेट, क्योंकि एजुकेशन अच्छा है, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, अब जैसे कंट्रीज ऑफ एंग्लो अमेरिका, वेस्टर्न यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो आप कह सकते हैं कि हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो इस फेज से गुजर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें तो हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी हैं जिन्हें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं या क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, लेकिन ये जो अनुभव है ये पूरे विश्व के अनुभव नहीं है। थॉमसन ने, नॉटसिन ने जो अनुभव किया है वो यूरोप, एंग्लो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के डेमोग्राफिक हिस्ट्री पर आधारित है, तो इसे पूरे विश्व पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व का जो सोशल कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशन है वो इन कंट्रीज से अलग है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये डेवलप कंट्री हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील कंट्री हैं, उनसे इनकी कंडीशन अलग है, उनका इतिहास अलग है, तो आप इस तरीके का डाटा उन पर अप्लाई नहीं कर सकते।
एक इनका क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है, ठीक है। आगे चल के लॉस्की और वाइल्डकॉस ये दो कहते हैं, इन्होंने कहा कि डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी इज नाइदर प्रेडिक्टिव नॉर इट्स स्टेजेस आर सिक्वेंशियल और एंड इनवाइटेबल, यानी कि ना तो ये भविष्य के बारे में बता सकती है और ना ही इसके चरण जो हैं वो अनुक्रमिक हैं और अपरिहार्य हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हैज एंटर्ड द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ओइंग टू स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट इन एटीज ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अब जैसे इस थ्योरी में देखो, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता ना कि कोई कंट्री अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी में चेंज कर दे और अचानक से वो किसी दूसरे तीसरे स्टेज में चौथे स्टेज में पहुंच जाए। अब जैसे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना के बारे में बताया गया कि वो थर्ड स्टेज में पहुंच गया है, कैसे, अपनी जो ये पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें चेंज करके। तो प्रेडिक्टेबल नहीं है ये बात इसमें कहा गया, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। द रोल ऑफ मैन्स टेक्निकल इनोवेशन कैन नॉट बी अंडररेटेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विच कैन अरेस्ट द रेट ऑफ मोर्टिलिटी। अब ये जो मनुष्य के टेक्निकल इनोवेशंस हैं, इनको आप अंडररेट नहीं कर सकते, इनको अनदेखा नहीं कर सकते। इनकी वजह से मेडिसिन का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेडिसिन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, इनकी वजह से मोर्टिलिटी कम हुई है और उसकी वजह से फिर पूरे देश अलग अलग स्टेजेस में पहुंचे हैं। तो इनको भी हमें ध्यान रखना होगा, ना सिर्फ ये नेचुरल फिनोमेना है बल्कि इसमें मनुष्य का भी हाथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अब एक बार पूरा सा इसको एक दोबारा से चार्ट देख लीजिए। पहली स्टेज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट नीचे लिखा हुआ है और पॉपुलेशन स्टेबल होगी या स्लो होगी। सेकंड स्टेज में लिखा है बर्थ रेट हाई, डेथ रेट कमी आएगी, रैपिड इंक्रीज होगा पॉपुलेशन। तीसरे स्टेज में पॉपुलेशन गिरेगी, मतलब बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट भी कम होगा लेकिन थोड़ा कम, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी लेकिन उतना तेजी से नहीं। फोर्थ स्टेज में दोनों के दोनों कम हो जाएंगे और या तो टोटल पॉपुलेशन कम होगी या फिर बहुत स्टेबल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब पांचवी स्टेज कभी कभार पूछ लेता है, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है इसलिए इसको कम पूछता है, है ना। लास्ट स्टेज में माइनस में भी कहा जा सकता है कि माइनस में चली जाती है। और इनके जो नीचे ग्राफ बन रहे हैं पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी और इस थ्योरी को हम पब्लिकली पब्लिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो नज़दीक है, यानी कि कल है। नज़दीक भी क्या है, कल है। कल तक अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे या कल यानी कि 7 मई, 7 मई तक, 7 मई 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस यहाँ पर लिखी गई है। दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अपना के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद या इस क्रैश कोर्स में 45 डेज क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं होंगे। ये 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है आपके लिए लास्ट टाइम में एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है, क्योंकि इसमें हम हर उस आस्पेक्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम धारदार तरीके से, लास्ट में जो धार लगाई जाती है अपने कॉन्सेप्ट में, वो काम इसमें होने वाला है। तो देरी मत करो, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो फटाफट से, वरना आपके हाथ से निकल जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि आप सिर्फ इतनी कम फीस में पूरी सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से उसको रिविजन कर पाएंगे, पूरा कहाँ कहाँ आपने गलती की है, कहाँ कहाँ कमी की है, वो सब जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।